गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास हमारे गजनी, अच्छा हमको सिखा रिया है, जो कि हम हुक्का उठा रहे हैं। क्या कुछ करके दिखाएंगे आज ये, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। आज आपको दिखाते हैं अपनी किया सोनेट जीटी लाइन डीजल ऑटोमेटिक, जो कि टॉप मॉडल है। इससे ऊपर एक मॉडल और आता है, वो 20,000 रुपये ज़्यादा कॉस्टली है। उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, वैसे रेड स्ट्रिप नहीं है उसमें, और उसका मैट कलर आता है एक्स लाइन के नाम से। और इसकी LED हेडलैम्प है, फॉग लैम्प प्रोजेक्टर दे रखते हैं, GT लाइन की बैजिंग है। और ये किया का लोगो, ये देखिए आप कैसी मस्त लगती है, आगे से ब्लैक कलर लिया हमने। और ये है जी 2023 मॉडल, और यहाँ पे ऑटो की बैजिंग दे रखी है। सो गाइज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और बने रहें वीडियो में, देखते रहें। आगे आगे आने वाली और अच्छी अच्छी वीडियो डाल देंगे हम। इसमें पीछे वाइपर दे रखा है, सार्फिन एंटीना है, ये रूफ रेल, और भाई सनरूफ है इसमें। तो जी अब अंदर से देखो गाड़ी, अंदर से कुछ दिखती है ऐसी। ये देखो आप पहले गाड़ी के अंदर का व्यू काफ़ी मस्त है, और जिसके सीट का हो रहा नहीं काफ़ी और ज़्यादा मस्त है। ये देखो आप सनरूफ है इसके अंदर, इसका 10.25 इंच डिस्प्ले है अपनी म्यूजिक सिस्टम की। और ये इसका ये देखो कंसोल यहाँ से कैसा लगता है ये। तो अब आपको ये बटन है यहाँ पे पुश स्टार्ट का, यहाँ से स्टार्ट करके दिखाते हैं अब आपको इस गाड़ी के बारे में। ये इसका डिस्प्ले देखिए मीटर की, कितनी मस्त लग रही है। और ये आपको दिखा रही है 7.3 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। भाई अब हम आपको बताते हैं, इस पे हम टूर पे गए थे अभी, आपने देखा होगा हिमाचल गए हुए थे, मनाली सिसु जिस्पा केलोंग। भाई इसने 20 की माइलेज दी थी चंडीगढ़ तक, जो कि प्लेन हाईवे है, और पहाड़ों में दी थी इसने 15 की माइलेज। तो इसकी माइलेज भी काफ़ी अच्छी है भाई, इस माइलेज को ख़राब नहीं बताएंगे। लेकिन ये इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि घर से यहाँ तक आने में 1 किलोमीटर लगता है बस, उसमें तो फिर ये एवरेज तो ऐसे लोकल में दिखाएगी इतनी। तो ये देखें अपने डोर पर जितने भी बटन है, ये अपने मिरर के लेफ्ट राइट, ये अप डाउन का ये है, और भाई ये ऑटो इसके ये है बंद करने के लिए, ये ओपन करने के लिए, और ये भी इसका ऑटोमेटिक, जैसे कि हम लॉक करते हैं ना तब अपने आप फोल्ड हो जाता है, उसका स्विच है। और ये अपना लॉक अनलॉक, अनलॉक कर देते हैं। ये अपना ऑटो में है और एक ड्राइवर साइड का ऑटो में, बाकी सब नॉर्मल है। और ये इसका ग्लास का लॉक लगाने के लिए, विंडो ग्लास का है जो RVM। इसमें आपने देखा हो 3 मोड दे रखे हैं, SOS का है, टोचन का है, किया कनेक्ट है, और ये अपना सन ग्लास होल्डर। ऑटोमेटिक AC है अपना, ये देखो। और अब इसमें दे रखी है अपनी वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि अपनी लेफ्ट कंडक्टर साइड की है। ये व्यू का बटन है, जो कि गाड़ी जब ड्राइव मोड में होती है, जब चलती है तभी काम करता है, पीछे का आपको सब कुछ दिखाता है। ये ड्राइव मोड है, ये देखो ड्राइव मोड अभी स्पोर्ट्स हो गया। अब हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे, ये इको में आ गया, ठीक है। अब इसको फिर प्रेस कर दें नॉर्मल, और ये स्पोर्ट्स इको नॉर्मल। और भाई ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है, आपको ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिखाते हैं इसका। अब इसमें देखो क्या कुछ दे रखा है ट्रैक्शन में, ये स्नो मड और सैंड, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के दे रखे हैं इसमें ऑप्शन। और ये ड्राइवर सीट की है वेंटिलेटेड, इसमें यही चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, वेंटिलेटेड सीट्स। और अब ये आपको दिखाते हैं इसका चार्जिंग पॉइंट के लिए दे रखा है, USB का दे रखा है, और भाई ये अपना वायरलेस चार्जर का दे रखा है, इसका वायरलेस चार्जर है इस गाड़ी में। और ये इस साइड में आपको 3 स्विच और मिलते हैं, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है ऑन ऑफ का, और ये पार्किंग सेंसर का, हेडलाइट जो कि आपकी है LEDs को अप डाउन करने के लिए। और ये अपना GT लाइन का स्टेयरिंग, छोटा सा स्टेयरिंग है, काफ़ी मस्त लगता है, ये कटवाड़ा है यहाँ से, कितना मस्त स्टेयरिंग है। इसमें आपको एक किया कनेक्ट के लिए, जो कि बोलने के लिए, फ़ोन फान मिलाने के लिए जो ये मिलता है, ये है मोड का बटन है, वॉल्यूम ऑन ऑफ का, और वह अपने गाने वाने चेंज करने के लिए, फ़ोन उठाने का, फ़ोन काटने के लिए। ये जो स्टार बटन है ना, इस पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, भाई आप फ़ोन काटते हैं कुछ भी, इसमें एक फीचर दे रखा है ऐड करने के लिए। और इसमें सेट रीसेट कैंसिल ओके, और ये आपका दे रखा है देखो मीटर में, अभी आता है इस पर आपको चेंज करना होता है मोड। और इस बटन का ना काफ़ी ज़्यादा तक आपको एक फीचर और बताते हैं इसका, और इस ओके का, इसका ये तो आपने हो गए, इसमें ऊपर नीचे इसको ये ले जाने के लिए देखो
इसमें आप ऐसे माइलेज कर इसको ये चेंज करके देख सकते हैं किलोमीटर वगैरह इस स्विच से ऊपर नीचे करके। और वे आपको ना इसका एक फीचर और बताते हैं इस गाड़ी का आपको, वो ये है कि कई बार क्या होता है जैसे कि हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत ही चलती है एक दो किलोमीटर डेली के जो कि अपनी रनिंग होती है उस हिसाब से, मेरी इतनी है थोड़ी है रनिंग मेरी ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या है एक बत्ती आ जाती है यहाँ पे इस साइड में आ जाती है जीरो से नीचे, यहाँ पे आपको एक बत्ती शो होती है यहाँ पे आती है, तो वो डीजल फिल्टर की बत्ती आती है। अब उसमें ना डीजल स्टोक हो जाता है और फिर हम उसको एजेंसी में ले के जाते हैं यहाँ से, भाई इसमें ये बत्ती बार बार क्यों आ रही है यार। वो उसको आप घर भी ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको ना सबसे पहले जैसे कि अपने एसी को बिल्कुल फुल कर देना है, हेडलाइट को अपने को फुल चसा देना है बिल्कुल, और वे अपने म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम को तेज कर देना है, और इसको ना फिर बाद में यहाँ पे ले जाके इसमें अलग से आ जाता है एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे, और ओके का बटन दबा देना है। ओके का बटन दबने के बाद ना ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप रेस तेज हो जाएगी, गाड़ी की रेस बढ़ जाती है और उसमें टाइम आ जाता है फिर 30 मिनट का, फिर वो धीरे धीरे 30, 29, 28, 27 ऐसे ऐसे कम होता जाता है तो अपने आप वो ठीक हो जाती है। तो अब आपको गाड़ी के बारे में और कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे है 2 कप होल्डर और ये अपना एयर प्योरीफायर है, यहाँ पे इसमें टॉप मॉडल है भाई ये, इसमें एयर प्योरीफायर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज के लिए जगह है इसकी कुछ, और इसमें ना आपको मिलता है बोस का म्यूजिक सिस्टम जिसकी साउंड बहुत ही मस्त है। इसमें 4 स्पीकर 2 ये ट्यूटर 6 और भाई एक अपनी डिग्गी में है वो मिलता है आपको बेस, इनबिल्ट बेस है इसका। और भाई अपने इसमें टायर प्रेशर की आ रही है जैसे कि इसको ये कर देंगे, इसमें टायर प्रेशर भी दिखाता रहता है अपना भाई कितनी का कुछ हवा है, कौन से टायर में कम है कौन से में ज़्यादा है। और भाई आपको मिलते हैं यहाँ पे लाइटें जो कि नॉर्मल दे रखी हैं, LED देते तो काफ़ी अच्छा होता मस्त लगती। और भाई ये है आपका सनरूफ गाड़ी का, देखिए है तो बल्कि छोटा ही है बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे या फिर नॉर्मल से आदमी से निकल सकते हैं बाहर। और ये इसको कर देते हैं अब क्लोज, ये देखिए आसमान कितना मस्त लग रहा है। और ये आपका ना हाथ से ही बंद होगा, ओपन तो इसके साथ हो जाता वैसे हाथ से ही बंद होगा। और इसमें जैसे कि एक बार इसी ये जो बटन है इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ से भी उठता है ये देखो, इसको बंद करते हैं ये देखो ऐसे भी ओपन होता है। काफ़ी अच्छा फीचर दे रखे हैं इसके अंदर गाइस। आप ऑटोमेटिक गाड़ी को ना मैनुअल भी चला सकते हो, जैसे कि यहाँ से रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और यहाँ से प्लस माइनस पे आपने जो कर दिया ना ये यहाँ से प्लस और माइनस का है, यहाँ से गियर डाउन होते हैं यहाँ से अप होते हैं। जैसे कि आपको ये मीटर में दिख रहा है ये दूसरा लग चुका है और ये पहला आ गया है, और इस पर यहाँ पर पेडल शिफ्टर दे रखे हैं माइनस का है ये प्लस, इससे गियर डाउन जाएंगे और इससे अप हो जाएंगे इस पेडल शिफ्टर से, इसको भी ऐसे भी चला सकते। और इसको करते हैं ऑफ, आपको लेके चलते हैं पीछे की रो में, पीछे भी दिखाते हैं क्या कुछ है और इसके अंदर। आगे से तो हमने बहुत कुछ दिखाई दिया आपको, वैसे कभी लोग इस गाड़ी को तो जिसकी वेंटिलेटेड सीट है उन पर आप एक बार ट्राई करना, इसका पिकअप भी ट्राई करना बहुत अच्छा पिकअप है गाड़ी में। ये है देती है 113 BHP और 240-250 NM का टॉर्क है इसका। और भाई इसमें जो ये मोड है ना ये बहुत ही वर्क इट है, ये ड्राइव मोड जो दे रखा है ये बहुत ज़्यादा काम करता है इसका। और भाई ये इसमें दे रखी है आपकी लाइट जो कि आपकी बोतल होल्डर में है, दोनों साइड दे रखी है ये, काफ़ी मस्त लाइट है इसकी और ड्राइवर साइड में भी है ये। आपको पीछे की रो दिखाते हैं, चलो चलते हैं पीछे, तो पीछे से देखते हैं इसका व्यू क्या कुछ है इसके अंदर। ये देखो आप आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर है इसके अंदर,
और भाई ये हमारा यहाँ से एयर प्योरीफायर डिस्प्ले पीछे, और एसी के दो वेंट्स दे रखे हैं, और फोन चार्जर का है यहाँ पे, यहाँ पे पीछे लाइट दे रखी है, आगे भी लाइट है, काफी अच्छा है। हमने अपने तकिए रखवा रखे दो, लॉन्ग ड्राइव पे काफी अच्छे काम आते हैं। और यहाँ स्पीकर पे बोस की बैजिंग दे रखी है, म्यूजिक आपको पता ही है बोस का कितना मस्त है, और काफी अच्छा स्पेस है इसमें। भाई चार जने तो इसमें लॉन्ग राइड पर कहीं भी जा सकते हैं, काफ़ी मज़े आते हैं, लेकिन पांच में ना थोड़ा ज़्यादा बिचकुच के हो जाता है सब कुछ, पांच तो कंफर्ट नहीं होती इसमें। और आके अब इसको कर देते हैं बंद, और आपको दिखाते हैं बूट स्पेस इसका, 392 लीटर का बूट स्पेस है ये। और देखिए इसमें कर्टन दे रखे पीछे इनबिल्ट, काफ़ी मस्त फीचर है कर्टन का। और अब आपको इसमें बोतल होल्डर ही पीछे बूट स्पेस दिखाते हैं, जो कि 392 लीटर बूट स्पेस है इसका। ये देखो स्विच ओपन होता है, और इसमें पीछे लाइट दे रखी है एक, ये देखो। और ये अपना बूफर बोस का, 392 लीटर बूट स्पेस है इसका। चलो अब इसको करते हैं बंद, बोलते हैं आपसे बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।